ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज लास्ट क्या आधा घंटा एक घंटा जो था वो मार्केट के लिए थोड़ा सा ख़राब था। निफ्टी 18,000 के नीचे बंद हुआ, जो कि एक थोड़ा सा पेन चीज़ है, क्योंकि 18,000 पर मैक्सिमम पुट राइटिंग है, ठीक है ना। बट ये जो करेक्शन है, दिस आर कॉल्ड रनिंग करेक्शन। बुल मार्केट में ऐसे आते रहते हैं और हेल्दी कहलाते हैं। इसमें कोई चिंता घबराने वाली बात नहीं होती कि बुल खत्म हो गया, अब यहाँ से क्या डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है या नहीं होता है वो बाद में अगली कैंडल शो करेगी, देन ऊपर आके देन ऐसे गिरेगी, तब आपका डाउन ट्रेंड होगा। या फिर हो सकता है ये थोड़ा सा कंटिन्यू कर जाए, अगर ग्लोबली कुछ न्यूज़ ख़राब है कुछ है तो थोड़ा सा और कंटिन्यू कर जाए। कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है। ये अगर मैं बात करूँ आपका, यहाँ पर ही कंसोलिडेट किया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, लेकिन डेटा आज निगेटिव था सुबह से ही। ऊपर गया, देन ये प्राइस एक्शन के साथ नीचे आया। अब प्राइस एक्शन के साथ नीचे है, अब कल खुलता क्या है वो बहुत इंटरेस्टेड है। अगर कल 18,000 17,950 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, तो वी कैन गो फॉर द सेल। 17,778, 17,800 के आसपास का हमारा टारगेट हो सकता है। SL कहाँ होगा? 17,918,000 का मान लो, 18,020 का सेफर साइड होगा। बाय हम कब करेंगे? बाय हम लोग करेंगे 18,150 के ऊपर ही, ठीक है ना, और मार्केट उसके बीच में कंसोलिडेट कर सकता है बाकी। लेकिन अभी जो है 18,000 का लेवल बहुत क्रूशियल है, मेक और ब्रेक लेवल है। निफ्टी को क्लोज नहीं देना चाहिए था इसके नीचे। ऐसे ही बैंक निफ्टी तो हालांकि ऊपर आ गई, अब भी दोनों ही बिल्कुल बॉटम पे है। मतलब एक रेंज होती है, जैसे निफ्टी की रेंज जो थी वो 18,000 से आपकी 18,200 थी जो हमने कल डिसाइड की थी, उसके नीचे बंद हुआ। जबकि बैंक निफ्टी आपका ठीक हुआ है, आज 38,000 के ऊपर बंद हुआ है। ऑप्शन चेन में एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में डेटा क्या बन रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, 18,000 का ये लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पुट साइड में आपकी खड़ी हुई है 41,000। ये ना लॉट है, मतलब इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। टोटल 1,48,000 आपकी कॉल्स राइटिंग है और पुट राइटिंग है 1,29,000। मतलब यही एक डिसाइसिव लेवल है, जिस भी तरफ का मूवमेंट देगा 15 मिनट की कैंडल, जिस भी तरफ के नीचे की तरफ करेगी तो डाउन साइड हो जाएगा, थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ होगा थोड़ा सा और अपसाइड एक्सटेंड होगा, वरना 17,950 का लेवल जो है वो क्रूशियल हो जाएगा कल। अगर इसके नीचे सस्टेन करनी शुरू हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी 17,800 तक की। ऊपर में कहाँ है? ऊपर में जब तक ये वाले कॉल राइटर्स कटेंगे नहीं, ठीक है ना, 18,000 पे। अब कल देखना है क्या क्या यहाँ पे भी कॉल राइटिंग होनी शुरू हो गई है। अगर कल लेट से नीचे खुलती है, ऊपर खुल जाती है, गैप अप खुलती है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे वेट? प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आज लास्ट के आप एक घंटा देखोगे तो एक शॉर्टिंग बन की गई है, ठीक है ना। जब लास्ट के एक घंटे में शॉर्टिंग बन की जाती है और अगर गैप अप खुलता है, स्ट्रेच करता है, या मार्केट बड़े प्लेयर्स नीचे लेके आते हैं, थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है, तो हम वेट करेंगे फिर। अगर बैंक निफ्टी में हम बात करें, तो कल भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ये एक सपोर्ट का एरिया काम करेगा, और इसने यहाँ पे सपोर्ट का एरिया काम भी किया, यहाँ ब्रेकआउट भी दिया, थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला। लेकिन जो लास्ट में ये गिरा है ना, ये थोड़ा सा चिंताजनक वाला है कि लास्ट में गिरता चला गया मार्केट। ये क्या है? डेट टू प्राइस एक्शन नीचे आया, देख रहे हो आप। अब ये प्राइस एक्शन कैसा बनाता है? अगर ऐसे करके ऐसे जाता है तो फिर हम अगेन इसको भी सेल कर सकते हैं। कहाँ तक का? ये पहला लेवल है आपका 37,800 का, ठीक है। 37,800 का लेवल क्यों आ रहा है? क्योंकि यहीं से ये इसका ओपन है प्रीवियस डे का। अगर ये भी ब्रीच होता है तो फिर हमारे को ये गैप पेंडिंग है, ये गैप की तरफ फिल कर सकती है 37,400-500 के आसपास, ठीक है। ऊपर में हम लोग बाय कहाँ करेंगे? जब ये वाला जो लेवल आ रहा है आपका, ठीक है ना, 38,400, 38,300-400 के बीच का जो आ रहा है, इसको क्रॉस कर देगी डिसाइसिवली, तब ही बाय करेंगे, ठीक है। तो चलो ऑप्शन चेन पे एक बार इसकी चलते हैं। ऑप्शन चेन है ये, 38,000 पे आपकी पुट राइटिंग अनकवर हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पुट्स आपकी, इसमें आप क्या करोगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देना अगर क्वांटिटी देखना हो तो। यहाँ पे थोड़ा क्या कन्विक्शन वीक हुआ है 38,000 के पुट राइटर्स का। वेरेस अगर मैं कॉल की बात करूँ तो कॉल अराउंड यहाँ पे है 38,000 पे 41,000। अभी भी पुट्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कॉल्स। मतलब बैंक निफ्टी अभी भी 38,000 का लेवल जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा, हो सकता है सपोर्ट ले। अगर टूटता है देन अगेन 37,700 से 800 की रेंज जो हमने बताई थी, देन 37,400 के आसपास। ऊपर में जब तक हमारे को एक डिसाइसिवली पुट राइटिंग शुरू नहीं होगी यहाँ पे, यही देखो आप सारे पुट्स अनकवर हुए हैं यहाँ पे, जितने भी लोगों ने पुट राइटिंग करी हुई थी। तो जब तक कि ऊपर एक डिसाइसिव लेवल नहीं तोड़ता है और यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग एडिशनल स्टार्ट नहीं होती हैं, तब तक हम लोग बाई की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, कल ही का ट्रेंड है बस। मार्केट आप देखोगे, अगर वन डे कैंडल हमने देखी थी, एक यहाँ पे दो बुलिश कैंडल थी, देन यहाँ पे आपको कंसोलिडेट किया है। दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन और वी कैन से प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, हो सकता है कंटिन्यू कर जाए और यह वाला इस तरीके से ब्रेकआउट दे। अगर इस तरीके से जैसे यहाँ पे कैंडल होनी है, ठीक है, इस जगह पे ब्रेकआउट देता है, देन हम लोग फिर बाय करते हैं इस जगह पे, ठीक है ना।
तो ट्रेंड में ऐसा कुछ नहीं है, इट जस्ट की प्रॉफिट बुकिंग है। अच्छा, प्रॉफिट अगर सेल कर रहे हो तो बांध भी लेना, मतलब ये मत करना कि नीचे के लेवल पे आप सेल करके बैठ जाओ, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है। तो पहला स्टॉक देखते हैं बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ने एक रनअप दिखाया, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। देन यहाँ पे इसने एक आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसको वन डे पे देखते हैं क्या करता है ये। अगर आप वन डे पे देखोगे, ये किसकी रेजिस्टेंस थी, 485, ठीक है। 485 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, हम लोग 485 के स्टॉप लॉस के साथ इसके बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके देख रहे हो, ब्रेकआउट यहीं पे आ गया था, लेकिन स्टिल अभी भी इसने एक लेवल ब्रीच किया है और लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। कल क्या हो सकता है, कल हो सकता है कंटिन्यू कर जाए नंबर वन, या फिर क्या होगा थोड़ा सा नीचे आए देन ऊपर से कंटिन्यू कर जाए। हाँ, अगर ये नीचे इसके नीचे आ जाता है, देखो कैसे, कभी भी याद रखना आपको निकल जाना कब है, अगर कभी भी SL कटता है तो कैसे निकलना है। ये नीचे आया, ठीक, देन ऊपर आया एंड ऊपर आके प्राइस एक्शन के साथ नीचे गया। तब देखो, जब भी मार्केट में ना बहुत खराब सिनेरियो चल रहा होता है तब मार्केट एकदम से नीचे आता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तब एकदम से नीचे आता है, वरना प्राइस एक्शन के साथ नीचे आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आपका गेल। अब गेल का देखो, अगर आप, ये डबल टॉप होता है, दिस इज कॉल्ड डबल टॉप, ये आपका डबल टॉप होता है। डबल टॉप एक रिवर्सल का सिग्नल होता है, मतलब अगर कहीं पे ऊपर की जगह बन रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है, हो सकता है कंटिन्यू कर जाए और अगर ये यहाँ के लेवल पे कंसोलिडेट करना शुरू हो जाए। दो कंडीशन होती है हमेशा याद रखना, इसलिए बताता हूँ मैं आपको स्टॉक्स वन डे के चार्ट पे, कि आप रडार पे रखो अपने, फिर देखो क्या होता है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। अगर ये यहाँ पे आपका कंसोलिडेट करनी शुरू हो जाए इस जगह पे एंड देन ब्रेकआउट है, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा नंबर वन। नंबर दूसरा क्या है, हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये कंटिन्यू करे, क्योंकि डबल टॉप बना के गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सल सिग्नल। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाइटन का। अगर आप टाइटन देखोगे तो एक कंटिन्यूसली फॉल आया। अच्छा, ये 5 EMA से आपको, अगर एक हफ्ता पहले की आपने कोई वीडियो देखी होगी तो आपको 5 EMA का यहाँ पे मैंने शॉर्ट बताया था आपको, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब दो चीज़ें होती हैं, जिस भी साइड पे ये ब्रेकआउट देगा, अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग बाय ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और ब्रेकडाउन देगा तो 2476 नीचे हम लोग फिर सेल की तरफ से देखेंगे। टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला लेवल जो आपको होता है ये पहला टारगेट होता है, सेकंड टारगेट आपको ये लेवल जो है नीचे की साइड में कहाँ होता है, ये देख लो, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, तो आपको उसमें प्रॉफिट बुक भी करना है। तो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए आपको चार्ट को रडार में रखना होता है, सो दैट आप प्राइस एक्शन को मिस ना करो। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका हैवेल्स का। अगर हैवेल्स देखोगे तो इसने क्लियरली ब्रेकआउट दे दिया है आज, ठीक है, ये ऊपर आपका गया। अब क्या होता है, ये तो कंटिन्यू कर जाएगा एक चीज़, या यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस करेगा देन कंटिन्यू करेगा, बट ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई है, ये अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दे देता है कभी कभी। तो ये आपके स्टॉक्स थे, स्टॉक्स मैं बताता क्यों हूँ, ताकि आप इसको रडार पे रख सको और कभी आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कैसे होता है, डब्ल्यू बटन का नीचे से कैसे होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो कितना ऊपर जाता है, ये सारी चीज़ जितना जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे चार्ट्स की, आपका ही इंप्रूवमेंट होगा टेक्निकल। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।